सलमान खान यानी कि कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम। वेल, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 ऐसे कारण जो सलमान की नींदें उड़ा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिट एंड रन केस। 27 सितंबर 2002 की रात को बांद्रा के अमेरिकन लॉन्ड्री के सामने सलमान खान की लैंड क्रूजर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। बेकरी में काम करने वाले 4-5 मजदूर वहीं फुटपाथ पर सो रहे थे। वहां एक की पहिए के नीचे कुचलकर मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस मौके पर सुबह 3 बजे पहुंची और मामले में सलमान खान को लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया अगली सुबह को। इस कारण, हालांकि ये केस बहुत पुराना है और इस कारण से सलमान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन पिछले साल यानी कि 2015 में मई में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपों से जो कि इस केस से रिलेटेड था बरी कर दिया। तो ये तो एक कारण है जो कि अब उनको बॉदर नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी ये हमारी लिस्ट में है क्योंकि इस कारण ने सलमान खान को काफी तंग किया। हमारी लिस्ट में अगला है सलमान और ऐश्वर्या का रिलेशनशिप। हम आपको बता दें कि दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। 1999 की सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। करीब 2 साल तक रिश्ता चला और फिर उनका ब्रेकअप हो गया। 2002 में ब्रेकअप जिस टाइम पे हुआ था, सलमान खान शायद बहुत ज़्यादा गम में थे और ये एक वजह हो सकती है कि जो हिट एंड रन केस था वो घटा था 2002 में। तो ये एक और रीज़न है जो शायद आज भी सलमान को नाइटमेयर्स देता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले रीज़न की तरफ। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे है चिंकारा शिकार वाला मामला। सलमान खान पर शिकार के मामले में कुल 4 केस दर्ज हैं। मथानिया और भवाद में 3 चिंकारा शिकार के 2 अलग अलग मामले, कांकानी में हिरन के शिकार का मामला और लाइसेंस समाप्त हो जाने के बाद भी राइफल रखने का मामला। आपको बता दें कि इन मामलों में अभी सुनवाई चल रही है, कुछ में उनको राहत दी जा चुकी है और कुछ मामले अभी भी चल रहे हैं। ये एक मजबूत रीजन है कि सलमान खान शायद शादी नहीं कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने आपकी अदालत में एक बार कहा था। पर डेफिनेटली ये एक रीजन है कि उनकी रातों की नींद शायद इस रीजन से उड़ जाती है। हम उनकी सलामती की दुआ करते हैं। चलते हैं अगले रीजन की तरफ। हमारे लिस्ट में अगला है 26/11 आतंकी हमले में सलमान खान का बयान। आपको बता दें कि सलमान ने एग्जैक्टली कहा क्या था। सलमान ने कहा था कि इस आतंकी हमले को कुछ ज्यादा ही तुल दिया गया है क्योंकि इसमें देश के कुलीन वर्ग को निशाना बनाया गया था। देश में इससे पहले रेलगाड़ियों और छोटे कस्बों में भी आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन कोई उसके बारे में इतनी बातें नहीं करता। सलमान ने कहा कि हर किसी ने इस मामले में इसलिए चर्चा की क्योंकि इसमें ताज और ओबेरॉय होटल को निशाना बनाया गया था। ये आतंकी हमला इसलिए हुआ क्योंकि हमारा सुरक्षा तंत्र नाकाम रहा। सलमान ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि इस हमले में पाकिस्तानी सरकार का हाथ नहीं था और ये एक आतंकी हमला था जिसमें कि हमारी सुरक्षा तंत्र जो है हमारा सुरक्षा तंत्र नाकाम रहा था। इस मामले को लेकर भी सलमान खान की काफी छींची हुई थी देश में और बाद में उन्होंने इस मामले में माफी मांग ली थी। ये एक दूसरा रीजन है जो सलमान खान को सोचना चाहिए कि वो क्या बयान देते हैं। उनका कोई भी बयान उनके खिलाफ जा सकता है, खास करके तब जब देश की मीडिया हर टाइम ऐसे मसालेदार न्यूज की खोज में रहती है। तो ये इसलिए हमारे लिस्ट में है। चलिए बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ। रीजन की लिस्ट में अगला है याकूब मेनन को लेकर लिखे गए उनके ट्वीट्स। उन्होंने कुछ ट्वीट्स दिए थे जैसे कि नंबर 1, नो वन एवर एड्रेस्ड हिम एज टाइगर। यहाँ पे वो टाइगर मेनन की बात कर रहे हैं कि उसको कभी किसी ने टाइगर नहीं कहा। डज नॉट डिजर्व दैट एट ऑल, वो डिजर्व नहीं करता। हैंग दैट एंड देन फिल इन द
ब्लैंक्स। तो जो अगला उनका ट्वीट था वो था कि बीन वांटिंग टू ट्वीट दिस फॉर 3 days, मैं ये 3 दिन से ट्वीट करना चाह रहा था एंड वॉज अफ्रेड टू डू सो, लेकिन डर रहा था, बट इट इन्वॉल्व्स अ मैंस फैमिली, लेकिन ये एक इंसान और उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करता है, तो प्लीज डोंट हैंग ब्रदर, हैंग द लोमरी हु रन अवे। इस तरह से काफी सारे ट्वीट्स किए थे उन्होंने। बेसिकली उनके ट्वीट का जो सार था वो ये था कि याकूब मेनन को फांसी क्यों दे रहे हो टाइगर मेनन की जगह, जबकि ये सच्चाई नहीं है। याकूब मेनन भी इस मामले में आरोपी थे और सलमान ने इस चीज को गलत समझ लिया, जिसकी वजह से कि मामला काफी आगे तक बढ़ गया, यहां तक कि उनके पापा को उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी और बाद में उन्होंने अपने ट्वीट हटा लिए और माफी भी मांगी देश से। तो ये एक रीजन है जिसने सलमान की काफी नींदें उड़ाई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले रीजन की तरफ। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है उरी हमले में सलमान का बयान। सलमान खान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो कलाकार हैं, कोई आतंकवादी नहीं, सरकार उन्हें परमिशन और वीजा देती है और वो आतंकी हैं तो उनको यहाँ पे आने की परमिशन दी ही क्यों जाती है। वेल, इस बारे में सलमान खान काफी चर्चे में आए थे और उन्हें माफी मांगने के लिए भी कहा गया था। वेल, हम आपको बता दें कि सलमान खान जिस तरह के कद्दावर एक्टर हैं, उनको हमेशा कम से कम 10 बार सोचना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले, क्योंकि उनका एक बयान उनके लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। वेल, हम यही कहेंगे कि सलमान खान इस बारे में थोड़ा सोचें ताकि उनकी आगे की ज़िंदगी इजी हो, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जो काफ़ी इमोशनल है चीज़ों को लेकर। हम भारतीय बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो ऐसे में अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं वो लॉजिकली अगर सही भी है, लेकिन अगर वो इमोशनली गलत है तो इस पे आपको उलटवार मिल सकता है। तो ये थी वो 6 चीज़ें जो सलमान की नींदें उड़ा देती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।